पूजा का बाल कहाँ गया, अगर पूछेंगे तो कहेंगी ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और अभी मतलब सुबह की जो होता है ना, खाना पीना हमारा बन चुका है। और ब्लॉगिंग में मैं आप लोगों के साथ खाना पीना कुछ भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, जो गर्मी के कारण मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं करता है। तो खाना वाना हमारा बन गया है और खाना बना करके मैं आ गई हूँ। उसके बाद पूजा क्या कर रही है, पूजा का टॉयस रखा हुआ है और पूजा क्या कर रही है, मोबाइल देख रही है। पूजा को भी काफ़ी ज़्यादा घाव होगी, इतनी घाव हो गई ना गर्मी से, मतलब मुझे तो हो गई। कल वाला ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाई थी, जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया है, देख रहे हैं ना। और बाबू को तो हमेशा हो जाता था, इसीलिए मैं मुझे बाल उसका कटवाना पड़ा। तो बस यहाँ दिखाती हूँ, दिखाती बेटा घाव क्या है। ये देखिए पूजा, हेलो मैडम, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। तुम्हारा बाल कहाँ चला गया? बाल चला गया। कहाँ चला गया बाल? कहाँ गया बाल? पूजा का बाल कहाँ गया, अगर पूछेंगे तो कहेंगी ना मम्मा। मतलब मुझे ना मतलब घाव हो जाता था ना, इसलिए पापा ना और मम्मी ना मंदिर में ले जाकर के पंडित जी को पैसा दे के बाल कटवा दिए। मतलब कुछ इस तरह से पूजा बोलती है। और बस वही है, घाव वाव थोड़ा सा निकल गया उसको, भी यहाँ हो गया मुझे, यहाँ हो गया मुझे। तो छोटा सा है, उसको तो थोड़ा सा बड़ा है। मैं बोली हूँ इसको मेडिसिन ला देंगे, तो मेडिसिन दे दूँगी उसके बाद देखती हूँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये बचपन से घाव हो जाता है। दवा देती हूँ तो ठीक हो जाता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, सो गर्मी से भी निकलती है घाव। और मैंगो वगैरह भी खाती है, तो मैंगो पूजा को बहुत ही पसंद है। तो मैंगो से भी मीठा कहीं तो होता है ना, तो खाती है, तो मैं दे देती हूँ, चलो भाई खा लो। और बस पूजा अपना फ़ोन में लगी हुई है, मैं चलती हूँ अपना जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं चाय चढ़ा के आई हुई हूँ, हम चाय वाय हमारा बन जाता है तो चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी वेट वेट कर लेंगे और फिर चलते हैं नहाने। चाय चढ़ा हम खाने में क्या बनाया है आज आपको दिखाते हैं। बस हमारे किचन में और चाय चढ़ा दिया, हमारा सारा खाना बन चुका है। और यहाँ पे हमारी सब्जी जो कि है क्या, आलू और कटहल की सब्जी है। देखो आलू कटहल की सब्जी, यहाँ दूध भी हमारा लाल हो रहा है। ये हमारा भजिया और ये रहा रोटी। और इनको ना गर्मी में दही बहुत ही पसंद है, तो हम बना करके दही खाते हैं। और गर्मी में दही खाना भी चाहिए। तो और मैंने इनके लिए सैलेड भी तैयार करके रख दिया है और कुकर में दाल सेट करके रख दी हूँ। तो अब मैं चलती हूँ ना, इतना काम मेरा हो गया है किचन का। और यहाँ पे भाभी जो है मेहंदी पीसी हैं, तो खुद लगाने चले गए, मेरे लिए छोड़ के गई हैं। तो हम यहाँ पे मेहंदी भी लगा लेते हैं। देखिए चुटी भी लग रही है ना, दूध में डाल दी है इसीलिए लग रही है। तो हम यहाँ बालों में मेहंदी भी लगा लेंगे। ना जो दूध मतलब आते हैं, वो दूध भी हमने सोचा चलो पहले बॉयल करके रख देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, जो फट जाने का भी डर रहता है। फ्रिज में भी रख दो ना, फिर भी फटने का डर रहता है, इसलिए मैं दूध लाते ही मतलब बॉयल करके रख देती हूँ। तो बस वही फटाफट दूध दूध गर्म करके और इसके बाद फिर चली जाऊँगी नहाने। गाइस, तो बस हम आ गए हैं नहा वहाँ करके, और फिर आज मैं अपना हेयर वॉश की हूँ, तो आज ना मैं थोड़ा हल्का सा मेहंदी लगाई हूँ अपने बालों में, तो इसलिए बाल धो कर के नहाई हूँ। बेटा ऐसे मत करो, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी की वजह से ना सर से अगर नहाना बाल धो करके तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए बाल धो करके ही नहाई हूँ। और अब चलती हूँ खाने, पूजा वूजा भी मैं कर ली हूँ, आज हो गया मंडे, तो बस पूजा वूजा करके उसके बाद खाने में आ गई। एक्चुअली खा के मैं मिलती हूँ, और खाने में मैं क्या क्या बनाई हूँ सो आप लोग को दिखाती हूँ। दिखा तो ऐसे दी थी, बट खाने में मैं क्या खा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो चलिए गाइस बने रहे हमारे ब्लॉग पे, और पुच्चा जो है ना मतलब मस्ती कर रही है, मम्मा खाना खा रही है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस तो अब हो गई है शाम, और शाम हो गई है तो मतलब शाम की दीवाती मम्मी जी करेंगी, और हम चले किचन में चाय चढ़ाएंगे, चाय बनाने। और फिर मैंने यहाँ पे लेमन टी चढ़ा दी हूँ शाम के टाइम, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना तो दूध वाला चाय पीने का भी मन नहीं करता है, तो हमने सोचा चलो लेमन टी बना करके पी लेते हैं। और लेमन टी काफ़ी अच्छा लगता है सेहत के लिए भी, गर्मी में काफ़ी अच्छा है, तो बस यहाँ पे वही लेमन टी मुझे बहुत पसंद है। गाइस किन किन को पसंद है आप लोग बताइएगा, और जो इनको नहीं भी पसंद है फिर भी वो देखिएगा ट्राई करके, बना करके काफ़ी अच्छा और टेस्टी लगता है तो पीने में, और गर्मी में काफ़ी फ़ायदेमंद ये है, तो आप लोग पी सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में पी सकते हैं, बाकी खाना खाने के बाद आप दूध वाला चाय पी सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे मतलब अभी इवनिंग का टाइम है, तो अभी हम चाय बना करके पी ले रहे हैं लेमन टी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, और सुबह सुबह करना जा रहा है, तो बस से हम यहाँ पे ना चाय चढ़ा दिए, मतलब हमने ही भाभी चढ़ाई हुई है यहाँ पे, चाय चढ़ा दी हुई है, और फिर चाय वाय लेकर के फिर हम चले आए रूम में पीने के लिए, फिर इनको भी उठाए चलिए दूध लाने जाना है, तो बस ये भी अपना उठ के और बाथरूम वगैरह जाएँगे, मैं भी अपना उठ के जो भी होता है ना सुबह का थोड़ा सा अच्छा। और बस चाय वाय पीने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए फ्रिज से सब्जी निकालने, क्योंकि चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग खाने में लग जाते हैं, खाना में बनाने में, तो बस यहाँ पे आज हम नेनुआ की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो वही फ्रिज से नेनुआ निकाल करके और फिर चले। और फिर बाबू सोई हुई थी अभी, तो हम सोच रहे हैं ना मतलब जब तक बाबू सोई हुई है तो मैं दूध और नेनुआ की सब्ज़ी भी मतलब नेनुआ भी निकाल के रख दी थी, और दूध भी उबाइल होने के लिए चढ़ा दी थी, क्योंकि दूध उबाइल हो जाएगा हमारा तब हम बाबू के लिए ना बिस्किट और दूध रख देंगे फूलने के लिए, और जब ये फूल जाता है तो हम इसको सुबह सुबह ब्रश वगैरह करा करके खिला देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या की हूँ ना, चने की दाल में डाल दी हूँ थोड़ा सा गर्म पानी करके इसमें, क्योंकि रात को हम लोग फूलने के लिए नहीं डाले थे, मतलब भूल जाते हैं ना, तो हम यही ट्रिक अपनाते हैं गर्म पानी करके उसमें चने की दाल डाल देते हैं, तो काफ़ी अच्छे से चने की दाल जो है ना बॉयल हो जाती है, मतलब फूल जाती है अच्छे से, तो नेनुए में डाल देते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस बाबू के लिए इधर दूध भी मैं डाल ले रही हूँ गिलास में, और गिलास में डाल करके फिर सोची चलो भाभी नीचे जो है ना सब्जी मतलब काट रही थी, तो हम सोचे जब तक फ़ौरन वगैरह दे देती हूँ, तो यहाँ पे हमने ना हमने क्या किया ना झटपट में मेथी का फ़ौरन और लाल ये सूखी सॉरी ग्रीन हरी मिर्च और सरसों मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अच्छे से जब ये मैं भूंज दूँगी तो इसमें ना फिर अनियंस डाल दूँगी, अनियंस डाल के और काफ़ी अच्छे से भूंज दूँगी। आप चाहे तो इसमें मेथी का फ़ौरन मतलब पचफोरना का भी फ़ौरन डाल सकते हैं, बट मैंने क्या किया ना मेथी का फ़ौरन ही डाला है। मेथी का फ़ौरन ऐसे कद्दू और नेनुए में डाल के जो बनाते हैं ना तो उसका सेंटेड ही कुछ और रहता है, तो मैं बस यही इसी में डाल देती हूँ, और फिर डाल के फ्राई करके उसके बाद फिर नेनुआ डाल दूँगी। और नेनुआ के साथ साथ मैं क्या करूँगी ना जितने भी मसाले मतलब मसाले में क्या हल्दी और नमक है बस यही मैं ऐड करती हूँ, तो मैं साथ साथ क्या करती हूँ ना मैं सारे इसमें ऐड कर देती हूँ, और करके फिर इसको क्या करूँगी ना ढक के छोड़ दूँगी। तो अब हम बस वही है नेनुए इसमें डाल के, और नेनुए में जो भी मतलब नमक और जो वगैरह है सारे मैं बार बार फोड़े जा रही हूँ गैस, तो बस मैं सारा ऐड कर दूँगी इसमें,
तो बस उधर बाबू सोई हुई थी, तो मैं सोची चलो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, और जल्दी जल्दी करने के बाद फिर मैं बाबू जब उठ जाएगी तो मैं चली जाती किचन से बाबू को ब्रश वगैरह करा करके, फिर जो होता है ना दूध बिस्किट सुबह का मैं नाश्ता उसको करा देती हूँ, फिर आके किचन का काम वगैरह जो भी होता है वो करती हूँ मैं। तो बस मॉर्निंग में मैं इसी तरह अपना काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ नमक और हल्दी अपने स्वाद के अनुसार, और बस मैं ढक के छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए पकने के लिए। तो नेनुआ की सब्ज़ी जो है ना हमारे घर में सभी को बहुत ही पसंद है, और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी चावल के साथ भी बहुत ही अच्छी। अभी गर्मी में ना हल्का, जितना हल्का मतलब बिना मसाले वाले अगर आप सब्ज़ी बनाती हो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैंने क्या किया ना, जो दाल मैं फूलने के लिए डाली हुई थी तो वो दाल भी हमारा ये देखिए फूल के कितने अच्छे हो गए ना, तो मैं इसमें क्या करूँगी डाल दूँगी दाल भी और चने की। किचन में ये सारा मतलब सब्जी उब्जी भुजी और चाहे जो भी होता है ना सारा सच चढ़ा दिए हैं, और पिज्जा भी उठ गई है, तो पिज्जा भी उठ गई है, वो देखिए क्या कर रही है। अच्छा बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, नहीं बोलोगी मतलब उठ गई है और ब्रश वगैरह भी कर ली है, तो ब्रश व्रश करने के बाद पिज्जा को गंदी बात ना हाँ क्या कहाँ है टेडी बेयर, अच्छा वहाँ टेडी बियर रखा हुआ वहाँ है, अच्छा ठीक है। तो बस अब हम पुच्चा को चलते हैं दूध और बिस्किट जो मैं मॉर्निंग में रख दी थी इसके लिए, तो अब चलती हूँ मैं उसको खिला देती हूँ, उसके बाद फिर अपना जो भी काम होता है किचन का रूम का वो करने के लिए। तो चलिए गाइस, आई होप कि हमारा ये वीडियो आज का आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना अपने फैमिली मेम्बर में फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय, करो 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 बाय 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 बाय, नहीं करना है कर लिए बाय बाय। चलिए गाइस तो मिलते हैं फिर, बाय।